Hello everyone, myself Dr. Ravindra Dhote, Director of Dr. Dhote's Academy, Latur. Lockdown special में हमने NEET के लिए कुछ special lectures upload करने के लिए सोचा है, तो उसकी हम एक series बना रहे for every subject. तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ zoology, right? आप देख रहे हो कि मेरे पीछे board पे कुछ बना हुआ है, तो obviously topic वही है, हम उसी से related बात करेंगे. अभी फिलहाल हम ज्यादा एक्स्ट्रा बात करने के बजाय सीधा टॉपिक पे आए, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यूनिट नंबर 5, ह्यूमन फिजियोलॉजी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट ऑफ द बायोलॉजी. व्हाई? क्योंकि यूनिट नंबर 5 में सबसे ज्यादा चैप्टर्स है, 7 चैप्टर्स मीन इट इज द बिगेस्ट यूनिट, मीन इट कवर्स मैक्सिमम मार्क्स फॉर द नीट. मतलब सर कितने मार्क्स नीट में, कितने मार्क्स है इस यूनिट के लिए? तो अभी तक का जो भी अंदाजा या जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स के हिसाब से जो भी वेटेज निकाला गया है, उससे ये पता चला है कि 60 to 70 marks, आई रिपीट, 60 to 70 marks इन द नीट एग्जाम्स बिलोंग्स टू यूनिट नंबर 5. ठीक है, अब यूनिट नंबर 5 है क्या? तो मैंने जैसी पहले नाम बताया, ह्यूमन फिजियोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन बॉडी, योर बॉडी, माय बॉडी, ये सब हमसे रिलेटेड है और ये आपके एमबीबीएस में भी यहां से आगे काम आएगा. आप डायग्राम देख रहे हो कि हमने यहाँ पे हार्ट का डायग्राम बनाया, मतलब मैं अब डील करने वाला हूं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, चैप्टर नंबर 18 यूनिट 5 में है, उसके साथ. बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन हम लोग उसी आर्टिकल पे फोकस करेंगे जहां पे नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन आने के चांसेस है. तो जैसे कि ह्यूमन हार्ट, ये एक सबसे बड़ा आर्टिकल है, ऐसा हम कहते हैं कि 90% ऑफ द चैप्टर इज हार्ट. हार्ट का स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसके डिसऑर्डर्स, ईसीजी की स्टडी, उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये सब कुछ अगर हमने पढ़ लिया तो 90% बॉडी फ्लूइड्स खत्म हो जाता है. सर बाकी के 10% में क्या आता है? ब्लड, लिम्फ, क्लॉटिंग मैकेनिज्म वगैरह, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मेजॉरिटी को टारगेट करते हैं, 90% मार्क्स को टारगेट करते हैं. इफ यू आर फोकसिंग ऑन द डायग्राम, बहुत सारे लिमिटिंग्स हैं, इन सब चीजों को मैं आपको पढ़ाऊंगा धीरे धीरे करके, लेकिन पहले हमको हार्ट की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा सा पहले जानना जरूरी है. मेरा एक तरीका है, तरीका यह है कि पहले हम कोई भी चीजों को बाहर से अंदर की तरफ पढ़ेंगे, ना कि अंदर से बाहर की तरफ आएंगे. मतलब फर्स्ट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, देन क्रॉस सेक्शन मीन्स हिस्टोलॉजी, फिर उसके बाद उसके मैकेनिज्म या उसके फंक्शंस, देन आफ्टर दैट द डिसऑर्डर्स. जब तक आपको ये सब चीजें नहीं समझेंगे, आपको एट द एंड डिसऑर्डर्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे. तो पहले आप सीक्वेंस को फॉलो करो, उसके बाद ही आपको सब चीजें समझेगी. अगर आप किसी भी सिस्टम को लेकर डायरेक्टली बीच का मैकेनिज्म पढ़ना शुरू करोगे या डिसऑर्डर पढ़ना शुरू करोगे, तो वह आपको बिल्कुल नहीं समझेगा. आप पहले उसके बेसिक्स क्लियर करो, तब वह आपको समझेगा. तो आज हम लोग वही करने वाले, हार्ट से रिलेटेड बेसिक पॉइंट्स. ओके, सो हियर आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी मेंशन किए. तो दिस इज एन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ द हार्ट. सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, ओरिजिन ऑफ हार्ट. सो एज यू सी, यहां पे मैंने मेंशन किया है मेसोडर्म. नाउ व्हाट इज दिस मेसोडर्म? सर ये क्या होता है बेटा? हमारी पूरी बॉडी, तुम्हारी बॉडी, मेरी बॉडी, सिर्फ और सिर्फ 3 लेयर से बनी है, जिसे हम लोग जर्म लेयर्स, जर्मिनल लेयर्स ऐसे नाम देते हैं. और वो तीनों लेयर होते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म. अच्छा सर, ये 3 लेयर से ही सब कुछ बना है, बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक हिस्सा, एवरी ऑर्गन, एवरी टिश्यू, एवरी सेल, आपका ये बोलना है? यस. तो ये 3 लेयर है कहां सर? दिखाई तो नहीं दे रहे बॉडी में बेटा? ये 3 लेयर अब कन्वर्ट हो चुके हैं, इन्होंने बहुत कुछ बना चुके हैं, और ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, बट इट बिलोंग्स टू सम डिफरेंट चैप्टर लाइक ह्यूमन रिप्रोडक्शन. जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म ये तीनों बने कैसे, मतलब इनका ओरिजिन क्या था और फिर इनसे क्या क्या ओरिजिनेट हुए. लेकिन फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि मेसोडर्म एक जर्म लेयर है जिससे हमारा हार्ट तैयार हो. लेकिन ऐसा भी याद नहीं रखना है कि मेसोडर्म से सिर्फ हार्ट बना है, मेसोडर्म से बहुत कुछ बना है बॉडी में बेटा. लेकिन फिलहाल हम लोग एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं हार्ट, तो वो इससे बना हुआ. अब वेयर इज योर हार्ट? भैया किधर है तुम्हारा दिल बताइए, राइट? नहीं, मतलब आपके पास ही है ना, किसी और के पास तो नहीं गया है दिल आपका. अगर आपके पास अपना दिल है तो किधर है? लेफ्ट के राइट, एब्डोमिन के चेस्ट, सामने है क्या पीछे? बहुत सारे सवाल आते हैं, राइट? तो सबसे बेसिक है, दिस इज द चेस्ट, दिस इज एब्डोमिन पार्ट, तो चेस्ट में है सर, राइट?
सामने है क्या पीछे? तो सर इंसानों में तो सामने होता है। नहीं सर, आप इंसानों में मतलब बेटा कैसे है, एनिमल किंगडम, वास्ट वैरायटी ऑफ एनिमल्स आर, तो हर एक का हार्ट सामने रहने ऐसी गारंटी नहीं। जैसे हमारे एक सिलेबस में कॉकरोच करके एक एनिमल दिया हुआ है, इंसेक्ट, उसका हार्ट पीछे है, डजंट मैटर, तो हमारा हार्ट सामने, कंपेरेटिव बता रहा हूं। अच्छा सर, हमारा हार्ट हमारे चेस्ट में सामने से रखा गया है, सामने से कहां रखा गया, लेफ्ट क्या राइट? सर लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। सर अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी कि जब शाहरुख खान बॉलीवुड में कोई भी पिक्चरों में जब पोज लेकर ऐसा करता है तो मेरे हिसाब से हार्ट लेफ्ट नहीं होगा, राइट? अच्छा सर, बॉलीवुड के हिसाब से अगर हार्ट लेफ्ट में है तो फिर टॉलीवुड के हिसाब से कहां होगा, पेट में? ये दोनों भी गलत है। बॉलीवुड या ये पिक्चर है ना, मेडिकल साइंस की हमेशा से धज्जी उड़ाते आए, उनको कोई लेना देना नहीं होता है। हम लोग हमेशा लेफ्ट राइट में अटके हुए रहते, परेड थोड़ी ना करनी है। हमारा हार्ट ना लेफ्ट में ना राइट में, हमारा हार्ट है सेंटर में, इट इज इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट। तो जैसे आप पा रहे होंगे, तो मैंने लिखा हुआ कि हार्ट इज इन वेंट्रल, मीन सामने की तरफ से। वेंट्रल को आप एक और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटीरियर। कभी भी याद रखना, जब आप एमबीबीएस में भी जाओगे तो बॉडी के सर्फेसेस बनाए जाते हैं और उसके हिसाब से स्टडी करते हैं। जैसे आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, तो ये जो मेरा सर्फेस है, दिस इज एंटीरियर और वेंट्रल। मेरी जो बैक साइड है, दैट इज अ पोस्टीरियर और डॉर्सल, और जो मेरी ये वाली साइड है, राइट, इसको हम बोलते हैं लैटरल साइड। सो आई रिपीट, फ्रंट वन इज एंटीरियर और वेंट्रल, दैट वन इज पोस्टीरियर और डॉर्सल, और ये वाला जो है लैटरल। तो मैं बात कर रहा हूं एंटीरियर और वेंट्रल की, सेंट्रल लिखा है, करेक्ट। अब मैं अपने हाथ से बताने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हमेशा ऐसा कहा जाता है कि आपकी जो एक बंद मुट्ठी है, क्लेंच फिस्ट, राइट, एनसीईआरटी बुक में दिया है कि योर हार्ट इज लाइक योर क्लेंच फिस्ट। तो अपनी अपनी मुट्ठी को बंद करो और देखो, ये तुम्हारा हार्ट है, इतना ही साइज है, तो यहां लगा दो सेंटर में। लेकिन सर ये कुछ ज्यादा छोटा लग रहा है, मेरी मुट्ठी बहुत ही छोटी लग रही है, तो थोड़ा उसको ऐसे एक्सपांड कर लो, या अपने समझने के लिए थोड़ा ऐसे ही रख लो। नाउ दिस इज योर हार्ट, नहीं सर दिस इज योर हैंड, बेटा बता रहा, ध्यान से देखो। तो ये जो हार्ट है, ये इसी तरह से चेस्ट में सेंटर में है, लेकिन 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 slightly tilted towards the left, हल्का सा left में गया हुआ है, हल्का सा। लेकिन वो जो heart का portion हल्का सा left में गया, उधर से beats बहुत strong आती है। तो इसलिए हमेशा mistakenly, जो भी इंसान medical science को belong नहीं करता है, medical student नहीं, उसके लिए heart हमेशा left में, क्योंकि beats, heart beats यहां से उसको सुनाई देती है, right? लेकिन जबकि पूरा heart center में और slightly tilted towards the left। हम वो भी देखेंगे why the stronger heartbeats in the left side, उसका रीजन भी हमको धीरे 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 पता चलेगा। तो मैंने यहां लिखा है वेंट्रल सेंट्रल स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन चेस्ट, ठीक है। अब सर आपने अगला शब्द लोकेशन में बनाया है मीडिया स्टीनम। व्हाट इज मीडिया स्टीनम? पहले तो इसको एक और शब्द है मीडिया स्टर्नम, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं बेटा, यही स्पेलिंग में इधर अगर मैं आर डाल देता हूं तो मीडिया स्टीनम की बजाय क्या हो जाएगा, मीडिया स्टर्नम। लेकिन ये दोनों शब्द एक ही है, दोनों शब्द का मतलब भी एक ही है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि मीडिया स्टीनम क्या है, मीडिया स्टर्नम क्या। चलो ठीक है सर, ये होता क्या है, मीडिया स्टीनम का डेफिनेशन ये है कि इट इज अ स्पेस बिटवीन टू लंग्स, इट इज अ स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द टू लंग्स। मीन सर आप भूल क्यों रहे कि आपका जो चेस्ट है उसमें अकेला हार्ट थोड़ी ना है, उसके अलावा दो लंग्स भी बैठे हुए हैं सर, और वो दोनों लंग्स के बीच में आपका हार्ट रखा गया है। अगर मैं रफली बताने की कोशिश कर रहा हूं सर, मान लेते हैं कि ये हमारे ऐसे लंग्स हैं, लाइक दिस। सो ये राइट लंग हो गए, ये लेफ्ट लंग हो गए। अब ये दोनों लंग्स के बीच में हार्ट इस तरह से बैठा होगा, लाइक दिस, ओके। तो मतलब मैं अपनी चेस्ट को क्या बोलता हूं, एक पिंजरा है, पिंजरा केज बोलते हैं ना, थोरैसिक केज और रिब केज। अब ये पिंजरा मैंने बनाया कैसे, जैसे हम लोग पिंजरा बनाते हैं लोहे की सलाखों से वगैरह, हमने ये पिंजरा कैसे बनाया, तो हड्डियों से बनाया सर, द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सामने ये हड्डी है जो आप लोकोमोशन चैप्टर में पढ़ते हो, थोड़ा सा बता देता हूं, स्टर्नम, कौन सी बोन है, स्टर्नम। साइड से रिब्स निकल रहे हैं, ठीक है, और वो रिब्स पीछे जाके आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैक बोन है, जो आपका कॉलम है, वर्टिकल कॉलम, उसको जाके अटैच है। तो ये इस तरह से पूरा पिंजरा बना।
सर क्या पिंजरा बनाया आपने, अब इस पिंजरे में जानवर रख दो। तो मैं तीन जानवर रखू, दो जानवर है लंग्स और दोनों के बीच में बैठा हुआ है हार्ट, राइट। सर आपका पिंजरा फेल है, नीचे से तो खुला हुआ था, आपने जैसे ही जानवर डाले नीचे से निकल गए पूरे। आप भी जानते हैं पिंजरे को नीचे से सील किया गया है, पूरा पैक किया गया है, और वो पैकेजिंग मटेरियल नीचे से क्या लगाते हैं हम लोग, डायफ्राम। व्हाट इज डायफ्राम? एक मसल का शीट, एक मसल का पार्टीशन जो नीचे के ऑर्गन को ऊपर नहीं आने देता, ऊपर के ऑर्गन को नीचे नहीं आता, इट्स लाइक अ पार्टीशन। लेकिन दिस पार्टीशन इज इंटरनल, जो बाहर से दिखाई नहीं देता किसी को, ठीक है। तो भैया इस तरह से मैंने पिंजरा बनाया, पिंजरे में तीन जानवर रखे हैं, दो लंग्स और एक हार्ट। बेटा किसी दिन अगर ये पिंजरा टूट गया तो इसमें के जितने भी पंछी थे ना, वो जिंदगी भर के लिए आजाद हो जाएंगे, सब उड़ जाएंगे, समझ लेना। तो ये पिंजरा रहना बहुत जरूरी है, ये रिब केज रहना जरूरी है, सब कुछ रहना जरूरी है। अब जैसे मैंने शब्द दिया मीडियस करना, अब थोड़ा क्लिक हो रहा है, सामने हड्डी कौन सी थी, स्टर्नम। स्टर्नम के पीछे लेकिन सेंटर में कौन बैठा हुआ है, हार्ट, या फिर मीडियस स्टीनम, दो लंग्स के बीच की जगह। इस तरह से शब्द बनाएंगे बेटा। तो ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया लोकेशन। नेक्स्ट साइज, सर आपने बोला बंद मूर्ति के बराबर, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ डायमेंशन लिखा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू थिकनेस, आप देख रहे हैं 12 इनटू 9 इनटू 6 सेंटीमीटर। अब कुछ बुक्स में ये 6 के अलावा 6.5 भी दिया हुआ, डजंट मैटर थिकनेस, ठीक है, थोड़ा सा माइनर वेरिएशन है अलग अलग बुक्स में, आप ये आइडियली फॉलो कर सकते 12 इनटू 9 इनटू 6। तो 12 सेंटीमीटर का उसका लेंथ, 9 सेंटीमीटर का विड्थ एंड 6 सेंटीमीटर की उसकी थिकनेस है। अब सर वजन, हमारे हार्ट का वजन, ठीक है, समझो। अभी सर वजन कैसे करते, कुछ नहीं बेटा, ये तो तब एक्सपेरिमेंटल किए गए सर, कोई डेड बॉडी उसका हार्ट निकाल के तराजू में रख के तोला गया होगा, तब तो पता चला होगा उसका वजन कितना है, ठीक है। तो एक जनरल ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा पाया गया है कि जो मेल है उनका जो दिल है वो 300 ग्राम का है, और जो फीमेल है उनका जो दिल है वो 250 ग्राम का है। सर अलग अलग, सेम नहीं, करेक्ट है बेटा, मतलब जो मेल है वो बड़े दिल वाले हैं, ऐसा समझ लो 300 ग्राम, राइट, और जो फीमेल है छोटे दिल वाले सिर्फ 250 ग्राम, मतलब सिर्फ ऐसे ही याद रखना है, नहीं बेटा, एवरीथिंग इज हैविंग अ साइंटिफिक रीजंस। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा इसको साइंटिफिक रीजन में देना पड़ेगा। सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि हार्ट आपकी बॉडी में है क्यों, कर क्या रहा है, क्या फंक्शन है उसका, राइट। तो ये सवाल पूछने के बाद सिर्फ एक शब्द में आंसर आता है कि हार्ट इज एन पंपिंग ऑर्गन। क्या है बेटा? पंपिंग ऑर्गन है, करेक्ट। तो ये पंपिंग ऑर्गन का मतलब क्या होता है, आप इसमें ब्लड डालो, ये पंप करके उसको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करके फेंकेगा बॉडी, मतलब ब्लड प्रेशर बना के फेंकेगा बॉडी में। अच्छा, हार्ट भेदभाव नहीं करता है, कोई भी ब्लड डालो, प्योर ब्लड डालो, एक पंप करेगा फेंकेगा, पंप करेगा फेंकेगा, ये उसका काम है सर। अब सर फीमेल का जो ब्लड वॉल्यूम है वो मेल के हिसाब से थोड़ा कम माना जाता है, द रीजन आप जानते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल में साइक्लिकल ब्लड लॉस होने की वजह से, हर महीने ब्लड लॉस होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम थोड़ा कम है एज कंपेयर टू मेल, राइट। तो ये एक रीजन है कि मेल में ज्यादा ब्लड है तो साइज भी ज्यादा है, पंपिंग एक्टिविटी ज्यादा हुई, फीमेल में कम है, करेक्ट कम है। फिर एक स्टूडेंट मेरे को पूछा कि सर वो फीमेल का ब्लड वॉल्यूम सिर्फ मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कम होता है, बाकी टाइम तो इक्वल टू मेल ही रहता है ना, तो फिर बाद में हार्ट का साइज बढ़ेगा क्या? नहीं। इसका दूसरा रीजन साइंटिफिकली ये दिया गया कि द बॉडी फैट, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये पाया जाता है कि मेल का बॉडी का साइज काफी बड़ा है एज कंपेयर टू द फीमेल, तो उसके लिए जो ब्लड पंप करना पड़ता है फोर्सफुली पूरे बॉडी पार्ट से पहुंचाना पड़ता है, तो मेल की बॉडी ज्यादा है, रोबस्ट है, मसल ज्यादा है, हैवी है, उसके लिए उसको ब्लड पंपिंग एक्टिविटी भी जोरदार चाहिए, इसके लिए उसका हार्ट थोड़ा बड़ा है, फीमेल का थोड़ा है। नहीं सर, एक एग्जांपल लो, एक नाटा सा मेल है और एक लंबी सी फीमेल है, अब बताए कहा एक्सेप्शन से, हमने कब कहा है कि नहीं हो सकता है कि फीमेल का 300 ग्राम का और मेल का 250 ग्राम का, हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द बॉडी साइज, ओके। नाउ द शेप, बच्चे बोलते हैं हार्ट का शेप हार्ट के जैसे ही होगा सर, इट्स अ हार्ट शेप, नहीं बेटा उसको भी एक वर्ड होगा कुछ ना कुछ, इट्स लाइक अ रफली कोनिकल, आप देख रहे हैं ये इस तरह से जा रहा है, ये इसका बेसल पार्ट होता है हार्ट का, ऊपर वाला हिस्सा होता है बेस, और नीचे ये पॉइंटेड मैंने यहां लिख के रखा है अपेक्स। तो भाई जैसे हम लोग कोन बनाते लाइक दिस, लाइक दिस, तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गया, अपेक्स, ठीक है। तो भाई रत्नी कोनिकल, नाउ कलर रेडिश ब्राउन, राइट सर, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्लड की वजह से,
और थोड़ा ब्राउनिश टीज मसल्स है, पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, उसकी वजह से आया। तो ये कि बेटा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो फटाफट एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं, ओरिजिन मेसोडर्म, लोकेशन चेस्ट सेंटर वेंट्रल स्लाइटली लेफ्ट, और दोनों लंग्स के बीच में मतलब मीडियास्टिनम। 12x9x6 मेल 300 ग्राम, फीमेल 250 ग्राम, रफली कोनिकल, रेडिश ब्राउन कलर। अब मुझे लास्ट में बताइए हार्ट की डेफिनेशन में आप क्या रखोगे, व्हाट इज हार्ट? सिंपल, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, इसमें बिल्कुल भी हड्डी नहीं होती है, तो पूरा मसल का बना हुआ है। नेक्स्ट, ये एक पंपिंग ऑर्गन है, पंपिंग एक्टिविटी आपके बॉडी के दूसरे किसी ऑर्गन में नहीं मिलती है करके ये इसकी स्पेशलिटी होगी। ठीक है, तो भैया मस्कुलर पंपिंग। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी, हॉलो, खाली है सर, तभी तो आप इसमें ब्लड डाल सकते हो, भरा हुआ नहीं बिल्कुल। हम बोलते हैं ना हमारा हार्ट चार चेंबर से बना हुआ, इतना तो सभी लोग जानते हैं कि हमारा हार्ट कितने चेंबर का, चार, चारों भी चेंबर खाली, चारों में ब्लड भरो, बाहर निकालो वापस पंप करके। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपको बताना चाहता हूं जो शायद आपको फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आ सकता है, आपको जब प्रैक्टिकल एग्जाम्स या ओरल एग्जामिनेशन होते हैं एमबीबीएस में जाता है तो वहां पर टीचर से सवाल पूछते हाउ मेनी हार्ट इन द बॉडी, तो हम हंसते उनको देखिए क्या सवाल पूछ रहा है यार, कितने हार्ट है, तो हम बोलते एक, फिर वो हंस के वापस भेजता जब ढूंढ के आ रहे तो तेरे मार्क्स कट कर दूंगा। तो बेटा उसका रियल आंसर क्या है, हाउ मेनी हार्ट इन द बॉडी? सो द आंसर इज 3, एक तो यहां बाकी दो कहां है, सोचो 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 बाकी दो हार्ट बॉडी में होते किधर है। बेटा ये मत सोचो कि ये जो हार्ट जिस तरह से यहां दिखता है वैसी ऑर्गन और भी है क्या बॉडी में, नहीं, दिखने पे मत सोचो, अपीयरेंस पे मत जाओ, फंक्शन फंक्शन, द फंक्शन इज पंपिंग, पंप पंप पंप, ये फंक्शन पे जाओ बेटा। ऐसा कोई फंक्शन बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर कर रहा है क्या, पंप करके ब्लड को आगे पुश कर रहा, पंप करके ब्लड को आगे पुश कर रहा, सोचो अगर वो किसी ने कर दिया तो उसको भी आप हार्ट वर्ड दे सकते हो, क्लियर है यहां? तो बेटा मैं आपको आंसर बता देता हूं क्योंकि फर्स्ट ईयर को भी बहुत लंबा समय है, वो है आपके काफ मसल्स, राइट? आई शो यू लाइक दिस, दिस मसल्स, राइट? ये जो काफ मसल्स होते हैं जिसको दूसरी लैंग्वेज में पिंडरी के मसल्स या पिंडरी भी बोलते हैं, ये आपके नी के पीछे के मसल्स होते हैं, उनकी कंटिन्यू प्रॉपर्टी पंप करना और ब्लड को ऊपर भेजना, पंप करना ब्लड को ऊपर भेजना, दैट्स राइट। डजंट मैटर, नीट में कोई नहीं पूछने वाला, बस एक जनरल नॉलेज के लिए आप ध्यान रखिए कि इसको भी ऐसा कहा जाता है। आप जानते हैं आपके हार्ट को और क्या क्या नाम है, एक तो है कार्डियक और एक है बेटा जिससे दुनिया जूझ रही है, कोरोना। हार्ट का एक साइंटिफिक नेम है कोरोना, राइट? डिड नो व्हाट डू मीन बाय द कोरोना वर्ड, कोरोना मीन्स अ क्राउन, राइट? तो ये हमारी बॉडी में ऐसा माना जाता है कि हार्ट का एक लाइक क्राउन लाइक पोजीशन है। ठीक है, तो बेटा अभी हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखी, अब हमारा अगला टारगेट है लेयर्स ऑफ हार्ट, फिर उसका अगला टारगेट है चेंबर्स ऑफ हार्ट, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, देन कार्डियक साइकिल, देन फाइनली द डिसऑर्डर्स ऑफ हार्ट। इस सीक्वेंस में हम लोग जाएंगे। ठीक है, सो होपफुली आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट की तरफ। चलिए लेयर्स ऑफ हार्ट, तो जस्ट मैंने आपको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बताई, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है उसके अंदर, बहुत आसान टॉपिक है। अब सर लेयर्स ऑफ हार्ट, और जब भी लेयर्स का मुद्दा आता है ना बेटा तो एक ही मन में सवाल आता है, आउटर मोस्ट कौन सी, इनर मोस्ट कौन सी, मिडल मोस्ट कौन सी, यही चलते रहता है मन में। हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसमें सबसे बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी, इसलिए हम सबसे लास्ट में डिसाइड करेंगे कि कौन सी लेयर कौन सी पोजीशन है, अभी पहले पूरा पढ़ ले। ओके, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा यहाँ पे पहली कार्डियम, सर ये नाम सुन के लग रहा है कि ये आउटर मोस्ट होगी, कार्डिया मीन्स हार्ट एंड द पेरी मीन्स टू द पेरिफेरी सराउंडिंग, तो ये सबसे आउटर होगी, लेकिन अभी डिसाइड नहीं करना है। मैंने कहा ना कि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग है, तो वो सबसे लास्ट हमने डिसाइड करना है। अब सर पेरिकार्डियम डबल मेंब्रेन, आई रिपीट, पेरिकार्डियम क्या है बेटा, डबल मेंब्रेन। अब डबल मेंब्रेन मीन्स दो लेयर से बनी हुई, दो लेयर आपके सामने बेटा, मैं लिख चुका हूं यहां पे, आप देखिए ध्यान से, 5+ सीरस,
वैसे तो ये नाम आप जिंदगी में कभी भी सुनो तो आपको नाम से ही इसकी पोजीशन पता चल जानी चाहिए कि फाइब्रस लेयर इज ऑलवेज आउटर मोस्ट एंड द सीरस लेयर इज ऑलवेज इनर मोस्ट। जैसे पैराइटल और विसरल हम लोग करते हैं, बॉटनी और जूलॉजी, पैराइटल बाहर का रहेगा, विसरल हमेशा क्या रहेगा अंदर का। अब देख लो यहाँ पे ध्यान से, ये आउटर होगी, ये इनर होगी। अब सर अगर बाहर की लेयर, तो मेरी मेंटेलिटी क्या बोलती है, हम किसी भी चीज को बाहर क्यों बैठाते, जैसे चौकीदार को घर के अंदर क्यों नहीं बैठाते, बाहर क्यों बैठाते, ताकि भाई ये उसका काम कर सके। काम क्या, प्रोटेक्शन, हमको प्रोटेक्शन दे सके। तो ये जो आउटर लेयर है इसका काम प्रोटेक्शन ही है। और ये बनी हुई है व्हाइट फाइबर्स, कौन से फाइबर्स की बेटा, व्हाइट फाइबर्स। हमारे बॉडी में तीन प्रकार के फाइबर्स है, व्हाइट फाइबर्स, येलो फाइबर्स एंड द रेटिकुलर फाइबर्स। जब भी आप व्हाइट फाइबर्स का नाम सुनोगे तो आपके मन में आ जाना चाहिए प्रोटेक्शन, क्योंकि टफ फाइबर्स है, हार्ड फाइबर्स। येलो फाइबर का मतलब होता है इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के लिए यूज होते हैं। और रेटिकुलर फाइबर्स नाजुक होते हैं लेकिन सपोर्ट, कोई भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने का काम करते हैं हमेशा। तो ये व्हाइट फाइबर्स लेयर है, प्रोटेक्शन का काम करेंगे। अब सीरस लेयर, सर ये किस चीज की बनी है? अब बेटा इस पे थोड़ा सा पॉज लेंगे, ये किस चीज की बनने से बेहतर है, आप देखो उसके और दो पार्ट हो चुके। नाउ सीरस लेयर डिवाइड्स टू फॉर्म पैराइटल एंड विसरल, अभी अभी मैंने नाम बोल दिया जस्ट। तो अब देखो पैराइटल सुनते क्या हो गया, ये हो गई आउटर और विसरल क्या होगी इनर। अब सबसे पहले इनको एक रफ डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे सर, क्योंकि अब चार चार नाम दिखे, आपने पहले दो बताए और दो बता दिए, चार हो गए, अब ये लेयर है। देखो बेटा यहाँ ध्यान, मान लेते ये ऐसे दो लेयर, ठीक है, एक दो। अब ये मैं बना देता हूं फाइबरस, मतलब ये बाहर वाली होगी, ये बना देता हूं सीरस, ये होगी अंदर वाली। तो दिस इज फाइबरस पेरिकार्डियम, दिस इज सीरस पेरिकार्डियम। अब आपने कहा कि सीरस के दो लेयर बने, पैराइटल और विसरल। अब पैराइटल होगी आउटर, विसरल होगी इनर, मतलब हम डिवाइड कर देंगे। जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस के नजदीक चले जाएंगे, क्योंकि वो उसके भी पोजिशन आउटर है। तो मैं ऐसा कुछ बना देता हूँ कि ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ये होगी पैराइटल लेयर। पैराइटल लेयर इज अ पार्ट ऑफ सीरस लेयर, सीरस में रिकॉर्डेड, बट इट इज प्रेजेंट नियर टू द फाइबर्स। और ये जो विसरल है, इट इज प्रेजेंट नियर टू द सीरस। तो अल्फाबेट्स पे ध्यान देंगे बेटा, F for fibrous pericardium, S for serous pericardium. Serous pericardium के दो layers. P for parietal pericardium, V for visceral pericardium. Now parietal pericardium is going to attach the fibrous pericardium and visceral pericardium is going to attach the serous pericardium. अब एक level के बाद ये आपस में fuse हो जाएंगे और घूम फिर के ये दो के बजाय एक ही हो जाएगा, पूरे merge हो गए आपस। अब पहले जो चार दिख रहे थे घूम फिर के दो ही दिख रहे सर, आपस में चिपक गए सर, पूरी तरह से फ्यूज हो गए। अच्छा सर ये बताइए चल क्या रहा है बेटा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम को एनसीईआरटी बुक में ऐसा दिया है प्रोटेक्टिव बैग, मैं तो इसको बोलता हूं थैला, और उस थैले में हमारा दिल है, एक थैला है उसमें दिल लग गया था हार्ट, तो प्रोटेक्टिव बैग। लेकिन वो बैग किस किस चीजों से बनी हुई वो मैं आपको पढ़ा। अब चलिए फिर से ध्यान दीजिए, ये एक लेयर हो गई, ये एक लेयर। अगर आपका डायग्राम पूरा ध्यान है बेटा, तो मैं श्योर हूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों लेयर के बीच में काफी बड़ी स्पेस है। चलिए दिख गई आप, वेरी गुड। अब ये स्पेस का नाम है पेरिटोनियल, सॉरी पेरिकार्डियल स्पेस। क्या नाम होगा? पेरिकार्डियल स्पेस। सिंपल लॉजिक है, नामकरण किस बेस पे हुआ, लेयर पेरिकार्डियल थी उसके अंदर स्पेस थी तो पेरिकार्डियल स्पेस हो गई। बट बेटा ना वो जो कभी भी जो जगह होती है ना वो खाली खाली अच्छी नहीं लगती है, तो उसको ना थोड़ा भर दे। तो सर इसको कैसे भरे, इसमें थोड़ा लिक्विड डाल देते बेटा। हमारे बॉडी में जो मेजोरिटी स्पेसेस है दे आर ऑलवेज फिल्ड अप बाय समथिंग, बाय लिक्विड, बाय गैसेस, बाय एनीथिंग, दे आर ऑलवेज फिल्ड अप, ठीक है। अब देखो इसमें भी लिक्विड डाल, अब ये जो पेरिकार्डियल स्पेस है उसके अंदर जो फ्लूइड है उसका नाम भी वही हिसाब से पड़ेगा जो स्पेस का पड़ा है, दैट इज पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। तो बेटा अब देखो ये पूरा जो डायग्राम बन गया, नाउ दिस इज पेरिकार्डियल। सो व्हाट इज पेरिकार्डियल, इट्स लाइक अ प्रोटेक्टिव बैग जिसमें हार्ट छुपा के रखा हुआ, जिसमें दो लेयर है, पहले चार थे अब फ्यूज होके दो बन चुके, दोनों लेयर के बीच का स्पेस है पेरिकार्डियल स्पेस, उसमें लिक्विड है पेरिकार्डियल फ्लूइड। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं ये लिक्विड सिर्फ और सिर्फ 50 ml, 50 ml बस,
और ये 50 ml सही सलामत है कि नहीं हमको कैसे पता चलेगा? मैं बताता हूँ, इसका भी काम क्या है, मैं सब कुछ बताता हूँ। पहले यहां तक क्लियर हो गया सर? मेरे को एक चीज नहीं समझ, आपने स्पेस बना ली मान, उसमें लिक्विड डाल दिया मान, अभी लिक्विड आया कहां से? ये भी तो सोचने वाली बात है कि लिक्विड आया कहां से। भाई हवा में से तो कुछ नहीं आया हुआ, जो कुछ अंदर ही तैयार हुआ, सीक्रेट हुआ। तो लिक्विड बनाने की जिम्मेदारी एक्चुअल में ये वाली है, मतलब विसर, ठीक है? तो इसका काम क्या है, इट सीक्रेट्स पेरिकार्डियल फ्लूइड, इट सीक्रेट्स पेरिकार्डियल फ्लूइड। अच्छा सर, इसके पास सिक्रीशन प्रॉपर्टी कैसे? बिकॉज दे हैव सम सेल्स जो बना सकते थे कुछ, कौन से? एपिथेलियल सेल्स। बेटा आप याद रख लेना, आपने एनिमल टिश्यू चैप्टर आपके पास है, मतलब चैप्टर का नाम एक्चुअली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है, उसमें एक आर्टिकल है एनिमल टिश्यू, उसमें चार प्रकार के टिश्यू बॉडी में दिए गए, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो इसमें से जो सबसे पहला टिश्यू का नाम मैंने बताया एपिथेलियल, उसका काम ही है सिक्रीशन, वो कुछ ना कुछ बनाते ही रहेगा, बाकी के टिश्यू नहीं बनाएंगे लेकिन ये जरूर बनाएगा, राइट? और इसने अभी बना बना के क्या बना दिया, पेरिकार्डियल। सर मुझे बता दो फिर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है, कंपाउंड एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, थोड़ा नाम बता देंगे तो मेरे नीट एग्जाम में काम आ जाएगा बेटा। तो बिल्कुल बता देता हूं, इसमें होते हैं सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, आई रिपीट, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, ओके? तो विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम, जिसका काम क्या है, इट सीक्रेट्स पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो इन्होंने लिक्विड बनाया घूम फिर के इतना मुझे समझा सकते, लेकिन सर ये लोग क्या कर रहे, फाइबर्स और फाइबर, बेटा बाहर की लेयर ने हमेशा से काम एक ही करेगी, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन, कैसे? अब सर देखिए, ये हमारी बॉडी का आउटर लेयर है कि नहीं ये हम नहीं जानते, लेकिन एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ये हमारी बॉडी का या ये हमारे हार्ट का एक प्रोटेक्टिव बैग होता है, एक थैला जिसमें हमने हार्ट को छुपा के रखा। तो अब सवाल ये उठ जाता है बेटा कि ये प्रोटेक्शन कैसे क्या है, ये प्रोटेक्शन कैसे क्या है? सबसे पहले आप ये डायग्राम को देखो, ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलने वाला, पेरिकार्डियम को समझाने के लिए इससे बेस्ट डायग्राम नहीं हो सकता, दिस इज अ रफ डायग्राम, लेकिन मुझे लगता है जो भी अच्छी चीजें समझना है तो रफली समझो, वो जल्दी समझ में आ जाए, फटाफट समझ में आ जाए, ओके? तो ये रफ डायग्राम है। चलिए अब मैं एक एक लेयर, ये लिक्विड, ये सबके फंक्शंस बताना शुरू करता हूं। ये हो गया स्ट्रक्चर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर कैसा है। चलिए लेट्स अब आगे बढ़ते हैं। बेटा यहां पे आपका दिल जो धड़क रहा है, कंटिन्यू धड़क रहा है, राइट? कंटिन्यू उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, उसकी हार्ट बीट्स, बॉलीवुड में हम लोग इसको बोलते हैं बड़ा धक 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 धक, लेकिन मेडिकल साइंस में लव द लव द लव द ऐसा। तो सर ये बीट कर बीट कर बीट कर, राइट? अब मुझे बताइए, मैंने अचानक से आपको बोला बेटा ये लो और भागना शुरू करो, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी क्या कम? सर अगर मैं भाग रहा हूं 100% बढ़ेगी। अब हार्ट बीट जब बढ़ रही है तो धक 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 स्पीड से, आपको याद है मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था वेयर इज योर हार्ट, बिटवीन द टू नर्व्स। अगर सोचो ये जो हार्ट है, ये जो दिल है, अगर ये अपनी औकात भूल कर जोर जोर से बीट करके बाजू लंग्स में घुसना शुरू करे, दोनों को तकलीफ होगी बेटा, दोनों को तकलीफ होगी। इसलिए अपनी औकात में रहना थोड़ा बहुत जरूरी है हार्ट के लिए। Why? क्योंकि अगर ये थोड़ा भी इधर उधर हुआ, डिस्प्लेस हुआ, तो ये लंग्स में घुस जाएगा, लंग्स को रप्चर कर देगा, और खुद का भी ओवर स्ट्रेचिंग होने से मसल, कार्डियक मसल जो होते हैं वो स्ट्रेच हो सकते हैं, वो टूट सकते हैं। तो इसलिए उसको एक प्रोटेक्शन में लेना पड़ता है कि भाई ये तुम्हारी बाउंड्रीज है, इसके बाहर का काम मत कीजिए, आप उसके अंदर ही रहिए, हार्ट की बाउंड्री बना दी। बाउंड्री बनाया किसने? फाइब्रस पेरिकार्डियम, ये जो सबसे बाहर है, फाइब्रस पेरिकार्डियम उसने, राइट? मान लेते कि ये हार्ट ऐसा फील हो रहा है, धक 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 धक, मैं थोड़ा ऐसा कर, राइट? ये हार्ट अभी मान लो ऐसा बीट हो रहा है, धक 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 धक। सर ऐसा क्योंकि हैंड पोजीशन बताने के लिए आसान है ना मेरे लिए, जो ऐसा था मैंने अब ऐसा किया। अब देखो मेरे दो हाथ बेटे, ये ऊपर वाला जो हाथ है ये है फाइब्रस वेन, ये कौन है बेटा? फाइब्रस। और ये जो नीचे वाला हाथ है बेटा ये क्या है? सीरस वेन। ये फाइब्रस और सीरस के बीच में जो गैप दिख रहा है
बताइए कौन सा गैप है? पेरिकार्डियल स्पेस। और इस गैप में आपने क्या डाल के रखा है? लिक्विड। क्या नाम है बेटा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पूरी पोजीशन हुई और नीचे हार्ट। अब हार्ट बीट कर रहा है। अब देखो नॉर्मल बीट है, आपने ऑब्जर्व किया बेटा फाइब्रस पेरिकार्डियम इज कॉन्स्टेंट, वो धक धक नहीं कर रहा, वो कॉन्स्टेंट है। जो सीरस है वो अप डाउन धक 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 धक। फाइब्रस पेरिकार्डियम मजबूत लेयर है, सीरस नाजुक। अब ये नाजुक लेयर जब मजबूत के संपर्क में आ रही तो कोई डैमेज नहीं हो रहा, क्यों? कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, क्यों? अभी बीच में क्या डाला था? लिक्विड। अब पेरिकार्डियल फ्लूइड एकदम स्मूथ, एकदम स्मूथ मूवमेंट, राइट? इससे क्या फायदा हो रहा है? पेरिकार्डियल फ्लूइड का इंपॉर्टेंस समझ रहा है। ये लिक्विड एक तरह से ऑयलिंग और ग्रीसिंग का काम कर रहा है, ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं। जब भी आपकी सीरस लेयर ड्यूरिंग द हार्ट बीट्स टच करेगी जाए तो उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। सोचो अगर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप अभी देख लो आपका हार्ट अभी भी बीट कर रहा है, कोई ऐसा फ्रिक्शन की आवाज आ रही है अंदर से, जैसे हार्ट बीट ऐसा कोई साउंड आ रहा है? नहीं आ रहा है। इट मींस कि तुम्हारे पास पेरिकार्डियल फ्लूइड है और वो सही सलामत काम कर रहा है, एकदम स्मूथ, कोई टेंशन नहीं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड, दे एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट, दैट्स इट। नेक्स्ट सर, धक 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 धक, ऊपर की लेयर फिक्स है फाइबर्स। अब समझो हार्ट बीट बढ़ गए, मैं आपको ना भागो, अब बढ़ो लेकिन ये फाइबर्स उसको क्या कर रहा है? शांत बिठा, शांत बैठ जा, औकात में रह, ज्यादा बाहर मत जा, क्योंकि बाहर जाएगा तो आजू बाजू लंग से वो फट जाएगा, राइट? तो फाइब्रस पेरिकार्डियम को मजबूत इसलिए रखा है कि वो हार्ट की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, हार्ट को ओवर स्ट्रेच, ज्यादा स्ट्रेच होने से बचा रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेच होगा तो खुद के मसल भी टियर होंगे और बाजू वाला जो लंग्स है उसमें भी डैमेज होगा। तो साइमल्टेनियसली दो ऑर्गन डैमेज ना करके फाइब्रस पेरिकार्डियम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। तो इसका मतलब फाइब्रस पेरिकार्डियम प्रिवेंट्स ओवर स्ट्रेचिंग। ये क्या प्रिवेंट कर रहा है? ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट। और ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, मैंने जैसे बताया, इट एक्ट्स एज व्हाट? ल्यूब्रिकेंट। तो ये ओवरऑल प्रोटेक्शन हो गया फ्रॉम द पेरिकार्डियल साइड। सर सारी रामायण महाभारत आपने पढ़ ली, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं समझा कि विच वन इज द आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर ऑफ द हार्ट, मैंने बताया नहीं। मैंने अभी सिर्फ आपको बताया कि व्हाट इज पेरिकार्डियम, उसके लेयर्स, उसका फंक्शन और उसकी हर एक लेयर का फंक्शन, राइट? क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में पेरिकार्डियम इज अ प्रोटेक्टिव बैग, इतना एक लाइन लेके खत्म कर देगा, लेकिन उसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो हमको बतानी पड़ती है, वो हमारा काम, ठीक है? तो यहां तक होपफुली मुझे लगता है कि ये सब कुछ आपका क्लियर होगा। कहानी अभी भी बाकी है, क्योंकि जो मैंने हेडिंग दिया था वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेयर्स ऑफ हार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ये उम्मीद में कि यहां तक समझ। अब सर इसके आगे और भी लेयर, मैं थोड़ा सा इसको रब करूंगा बेटा, ये लेबलिंग होपफुली आप लिख चुके रहेंगे, इसको थोड़ा रब करूंगा और थोड़ा आगे बढ़ो। अब सर इनके आगे लेयर्स, ये लेयर और ये भी एक लेयर है, ठीक है? अब मान लेते सर ये वाली जो लेयर है इसको ऐसे कुछ बना लेते हैं और इसको मैं नाम दूंगा मायोकार्डियम। इसको क्या मैं नाम दूंगा? मायोकार्डियम। और ये वाली जो लेयर है इसको हम नाम देंगे एंडोकार्डियम। क्या नाम देंगे बेटा? एंडोकार्डियम। और ऊपर की लेयर तो बेटा है जैसे की वैसे, उसको मत बदलो। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइब्रस, पराइटल, विसरल, सीरस, फिर मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ऐसे ढेर सारे लेयर। और आप समझ लो ये बाहरी हिस्सा है, आप ऐसे बाहर से अंदर की तरफ जाकर हार्ट के चेंबर्स पे, ये आपको इमेजिन करना है। अब देखो बेटा मैं आपको यहां पे एकदम क्लियर कट बता देता हूं कि ये जो मायोकार्डियम है दिस इज द मिडल मोस्ट, ये कौन सी लेयर है? मिडल मोस्ट। और ये जो एंडोकार्डियम है दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। मतलब चलो सर थोड़ी बहुत तो बुद्धि सुलझी कि दो लेयर तो आपने बता दिया आपका ऐसा आने की, भैया मिडल मोस्ट इज मायोकार्डियम एंड द इनर मोस्ट इज एंडोकार्डियम, ओके? बट द स्टिल द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल थिंग, हु इज द आउटर मोस्ट। तो सर आप क्या बोलोगे? देखो सर आप ऐसे बाहर से अंदर की तरफ आए तो ये एक लेयर जिसका नामकरण आपने क्या किया था बेटा?
पहली गाय, फिर उसके बाद एक लेयर बनाई मायोकार्डियम, उसके बाद एक और लेयर बनाई एंडोकार्डियम, तो आपने इसको मिडल बोला, इसको इनर बोला, तो ऑब्वियसली ये जो पूरा लेयर है ये क्या पेरिकार्डियम, ये पूरी की पूरी लेयर आउटर मोस्ट नहीं है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे पेरिकार्डियम को टिक कर देते कि इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट, सरासर गलत है, आपके पूरे चार पांच और नेगेटिव मार्किंग सब पांच उड़ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए बेटा आउटर लेयर कौन सी, आप फिर से ध्यान दो, आपकी मायोकार्डियम, मायोकार्डियम ये मायोकार्डियम और ये एंडोकार्डियम दोनों एक दूसरे को चिपकी हुई है, और इन दोनों से चिपका हुआ कौन है, ये वाली है, मतलब ये तीनों भी एक दूसरे के क्लोज कॉन्टेक्ट है, फिर से ये तीनों भी एक दूसरे के क्लोज कॉन्टेक्ट है, लेकिन इधर से जब इधर आते हैं, मतलब ये कौन सी लेयर थी फाइबरस, इसके और इसका कोई संपर्क नहीं है आपस में, इनके बीच में बहुत बड़ी स्पेस है जिसमें पानी भरा हुआ लिक्विड, तो बेटा फाइबरस ये तीनों के संपर्क में है, और बेटा लेयर्स जब हम लोग पढ़ते हैं किसी भी ऑर्गन की तो लेयर चिपकी हुई होनी चाहिए, तभी उसको हम लोग कंसिडर करते हैं कि वो ऑर्गन की है। अब समझ लीजिए तीनों लेयर एक साथ है और ये लोग लेयर दूर है, तो ये लेयर हार्ट की लेयर नहीं है, लेकिन हार्ट के प्रोटेक्शन में उसका सहभाग जरूर है, लेकिन जो हार्ट की हम लेयर बना रहे हैं उसके इसमें नहीं है। सो व्हाट डू यू मीन टू से दैट, आई मीन टू से दैट ये कंप्लीट लेयर, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। सर मैं इसको विसरल बोलूं या सीरस बोलूं, तुमको इसको विसरल बोलना है क्योंकि सीरस तो डिवाइड होकर दो में गई, अब अगर सीरस बोलोगे तो ये है कि वो है, कंफ्यूजन होगा, तो बेटर हम लोग क्या बोलेंगे विसरल, मतलब ये एक क्लियर हो गया कि विसरल पेरिकार्डियम ही हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर है, और इस विसरल पेरिकार्डियम को अब हम नाम क्या देंगे एपिकार्डियम, आई रिपीट बेटा इसको हम नाम क्या देंगे एपिकार्डियम। तो अब देखो हार्ट के तीन लेयर हो, ये वाली लेयर विसरल पेरिकार्डियम आल्सो नोन एज एपिकार्डियम, द मिडल मोस्ट इज मायोकार्डियम एंड द इनर मोस्ट इज एंडोकार्डियम, ये तीन लेयर परफेक्ट हो गए, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे आपको बताने की कोशिश करूं, विसरल पेरिकार्डियम और जो एपिकार्डियम मैंने उसका फंक्शन बता दिया था कैसे, ये देखो विसरल पेरिकार्डियम आउटर लेयर है, ये आपको समझ में आ गया किस चीज से बनी हुई, सिंपल फार्मास्यूटिकल लेयर, क्या फंक्शन है पेरिकार्डियल फ्लूइड बनाना काम करता है, तो मतलब विसरल पेरिकार्डियम सिंपल फार्मास्यूटिकल लेयर पेरिकार्डियल फ्लूइड व्हिच एक्ट एज अ ल्यूब्रिकेंट, तो आउटर मोस्ट लेयर तो मैंने कब का खत्म कर दिया, अब बची मिडल मोस्ट और इनर मोस्ट, आपको एक बार बता दूं बेटा देखो शब्दों पे ध्यान दो, पूरा शब्दों का खेल, अब देखो यहां पे शब्द है मायो, तो ये मायो वर्ड किस चीज का प्रेफिक्स है, सो मायो इज फॉर मसल्स बेटा, तो ये हार्ट की मिडल मोस्ट लेयर है और ये पूरी मस्कुलर लेयर है, और बेटा अगर मैं आपको याद दिला दूं आपके बॉडी में तीन ही प्रकार के मसल है, स्केलेटल मसल जो हड्डियों का अटैच है, स्मूथ मसल जो ऑर्गन फॉर्मेशन में आते हैं, और एक स्पेशलाइज मसल है कार्डियो, तो बेटा ये भी ऑर्गन है लेकिन ये स्पेशल ऑर्गन है हार्ट है, तो इसमें स्पेशल मसल नहीं है कार्डियक मसल, मतलब द मायोकार्डियम ये जो लेयर है इसको मैं आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखिए मिडल मोस्ट मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। अब कार्डियक मसल की क्या प्रॉपर्टी उसको थोड़ा आगे चल के देखते हैं, लेकिन फिलहाल एक लेयर बच गई है एंडोकार्डियम उसको खत्म करते हैं। अब सर इनर मोस्ट लेयर देखो यहाँ पे आपके सामने हार्ट बना है, चार चैंबर, मतलब ये जो अंदर की लेयर दिख रही है, ये जो अंदर की लेयर दिख रही है दिस इज द एंडोकार्डियम। अब बेटा ना हमारा क्या काम था, हार्ट के अंदर ब्लड डालना और उसको तेजी से भरना, बेटा तेजी स्पीड, बेटा मैं एग्जांपल देता हूँ, आप किसी हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, एक्सप्रेस वे हाईवे मस्त है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, 120 की स्पीड से आपकी गाड़ी भाग रही है, और वही गाड़ी अब आप अपनी गलियों में चला रहे हो, स्पीड ब्रेकर से ज्यादा तो गड्ढे मिल जाएंगे, तो आप 120 की स्पीड पे नहीं जा सकते, मेरा बोलने का क्या मतलब, अंदर कुछ ऐसा बनाओ कि हाईवे बन जाए ताकि ब्लड की स्पीड मेंटेन हो। अब सर हाईवे बनाने के लिए सबसे चिकने और फ्लैट सेल्स लगाने पड़ेंगे सर, और सबसे फ्लैट सेल अगेन द सेम स्क्वामस सेल्स ही होते हैं, क्योंकि स्क्वामस सबसे पतला सेल है, फ्लैट थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्यूबॉइड, और ऊपर जाएंगे तो कॉलम, तो क्यूबॉइडल सेल छोटे स्पीड ब्रेकर और कॉलमनार सेल तो बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर, हमको स्पीड ब्रेक नहीं करनी है, ब्लड की स्पीड और फास्ट होनी चाहिए, मेंटेन रहनी चाहिए, इसलिए हमने जानबूझ के अंदर से समझ लो हाईवे बनाया ताकि ब्लड आए भी तेजी से और जाए भी तेजी से, तो इसका मतलब एंडोकार्डियम इसके अंदर भी क्या लगा हुआ है बेटा
सिंपल स्क्वाइनस एपिथेलियम। अरे वाह सर, अब ये आसान हो गया याद रखने के लिए। हार्ट के तीन लेयर है, लेकिन हार्ट के बाहर भी सिंपल स्क्वाइनस है, हार्ट के अंदर भी सिंपल स्क्वाइनस है, और दोनों के बीच में मसल है। कौन सा मसल बेटा? कार्डियक मसल, जिसकी प्रॉपर्टी पढ़ना अभी भी हमारे लिए बाकी। सर बाहर भी फ्लैट सेल्स, अंदर भी फ्लैट सेल्स, बाहर हाईवे क्यों बनवाना बेटा? बाहर हाईवे बनाने का ऐसा कोई पर्पस नहीं था, लेकिन अब उधर वो सेल्स लग गए और उनका सिक्रीशन प्रॉपर्टी की वजह से पेरिकार्डियल फ्लूइड आया। अंदर हाईवे बनाने का पर्पस था क्योंकि ब्लड की स्पीड मुझे मेंटेन करनी है, राइट? अच्छा बेटा, कहानी खत्म नहीं हुई, एमसीक्यू देखो कैसे आया। ये तो पूरी स्टोरी हो गई, एमसीक्यू निकालना पड़ेगा ना, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द एमसीक्यू फ्रॉम देयर। अब ऐसा पूछते हैं कि एंडोकार्डियम जो अंदर की लेयर है उसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हमेशा ब्लड के संपर्क में आएगा क्योंकि चारों चैंबर में हमेशा ब्लड 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 भरा है। तो एक थ्योरी होती है कि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के ढेर सारे नाम, अब उसमें एक नाम है एंडोथेलियम। क्या नाम है बेटा? एंडोथेलियम। सर ऐसे कैसे नाम? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को आप तब तब एंडोथेलियम बोलोगे जब जब वो ब्लड के संपर्क में आए, और यहां तो ब्लड ही ब्लड, खून ही खून है सर पूरा, राइट? तो एंडोकार्डियम इज इंटरनली लाइंड बाय विच एपिथेलियम? तो आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और एक हो सकता है एंडोथेलियम। दोनों भी करेक्ट, राइट? बट एंडोथेलियम इज मोर करेक्ट क्योंकि उसकी टर्मिनोलॉजी आगे ही ना, राइट? अच्छा सर, मुझे एक चीज बताओ, मुझे अब ये समझ में आ रहा है कि ये विसरल पेरिकार्डियम है, इसमें भी सिंपल स्क्वैमस सेल्स है, ये भी लिक्विड के संपर्क में, लिक्विड का नाम है पेरिकार्डियम, ब्लड भी, करेक्ट बेटा, इसको भी नाम दिया गया। जब आपके सिंपल स्क्वैमस सेल्स ब्लड को छोड़ के किसी और लिक्विड के संपर्क में आते हैं तो उनको कहा जाता है मेसोथेलियम। क्या कहा जाता है? मेसोथेलियम। बेटा बड़े गौर से, एमसीक्यू इसी पे आते हैं, राइट? कि आपका जो हार्ट है, आपकी जो हार्ट की आउटर लेयर है, इट इज लाइंड बाय विच एपिथेलियम? तो आंसर इज मेसोथेलियम। और हार्ट की जो सबसे अंदर की लेयर है उसमें कौन सा एपिथेलियम है? तो आंसर क्या है? एंडोथेलियम। दोनों जगह सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम लिखा है, लेकिन दोनों के अलग अलग नाम, क्यों ऐसा? वन सेकंड बता रहा हूं, एंडोथेलियम ये शब्द कब कब देंगे? व्हेन योर सिंपल स्क्वैमस फ्लैट सेल इट इज इन कॉन्टेक्ट विद ब्लड, ब्लड एंडोथेलियम, एंड व्हेन इट इज इन कॉन्टेक्ट विद लिक्विड अदर देन दी ब्लड, तो वर्ड आएगा मेसो। शब्दों में गड़बड़ मत करना, ये उधर और ये इधर मत ले लेना, ठीक है? तो यहां तक समझ में आ गई बात? सो फाइनली दिस इज द लेयर्स ऑफ हार्ट। तो बताइए आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? एपिकार्डियम, विसरल। इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? एंडोकार्डियम। और दोनों के बीच में मस्कुलर लेयर कौन सी होगी बेटा? मायो, मायो मींस मसल्स, मायोकार्डियम, ठीक है? सो आउटर मोस्ट, मिडल मोस्ट, इनर मोस्ट, तीनों में सबसे थिकेस्ट लेयर, जो थिकनेस डिसाइड करे वो हमेशा रहेगी मिडल मोस्ट, राइट? तो ये हमेशा क्या रहेगी? थिकेस्ट लेयर, क्योंकि बेटा बाहर भी फ्लैट सेल्स है, अंदर भी फ्लैट सेल्स है, तो उनकी थिकनेस तो बहुत मिनिमम रहेगी। तो जैसे आपने लिखा था स्टार्टिंग में हार्ट की थिकनेस 6 सेंटीमीटर, अभी ये 6 सेंटीमीटर की थिकनेस किसके वजह से है? मसल्स, कार्डियक मसल्स, द मायोकार्डियम, उनके वजह से है। सो मैं होपफुली ये सोचता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि भाई लेयर्स की सीक्वेंस क्या है, किसका काम क्या है, ये सब हमने एकदम डिटेल में दिया। एनसीईआरटी में से इसमें से सिर्फ शब्द मिलेंगे मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये हमने एक्सप्लेनेशन आपके लिए स्पेशली दिया ताकि इसमें से नीट में कोई भी आपका एमसीक्यू आता है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, ओके?